अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो है कि वो कौन सी खुराक है या वो कौन से फूड आइटम्स हैं जिनको खाने से जल्द हामला होने में मदद मिलती है। मेरे पास क्लिनिक में बहुत सारे नए शादीशुदा ख्वातीन कपल्स आते हैं जो कि चाहते हैं कि वो प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रही हैं और वो चाहती हैं कि हम जल्द प्रेग्नेंट हो जाएं, और अपेरेंटली उनके अंदर किसी किस्म की कोई एबनॉर्मेलिटी या नुक्स नहीं है। वो खुराक पर भी बात होती है कि हम कौन सी ऐसी चीज़ खाएं या कौन सी ऐसी चीज़ ना खाएं कि जिससे कि हमें जल्द हमला होने में मुनासिब मदद मिल सके। तो उसके लिए मैं हमेशा उनको गाइड करती हूँ कि देखें, बैलेंस्ड फूड या बैलेंस्ड डाइट का कोई अल्टरनेट नहीं है। एक वेल बैलेंस्ड डाइट वो होती है जिसका कि ऑलमोस्ट 50% कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, 30% गुड प्रोटीन्स और 20% या 15% कुछ ऑयल या फैट बेस्ड आइटम्स हों। कार्बोहाइड्रेट्स में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में तमाम फल और सब्जियां शामिल हैं। अगर आपकी रोज़ाना की खुराक में अच्छी मिकदार में ताज़ा फल और ताज़ा सब्जियां शामिल हैं तो आपको तमाम न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस और मिनरल्स और अच्छे फूड फेवरेबल फूड न्यूट्रिएंट्स सारे अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा जो प्रोटीन्स हैं उनमें वाइट मीट को प्रेफर करें ओवर रेड मीट, और वाइट मीट में है चिकन और फिश, उसको किसी भी शक्ल में आप ले सकती हैं। वो भी एक बैलेंस डाइट का हिस्सा है। डेली एक टाइम के खाने में प्रोटीन्स या वाइट प्रोटीन्स को ज़रूर ऐड करें। उसके अलावा ऑयल्स, जो कुकिंग ऑयल्स हैं या जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, और इसके अलावा जो कैनोला ऑयल या ऑलिव ऑयल या इस तरह की जो ऑयल बेस्ड कुकिंग के लिए जो आप इस्तेमाल करते हैं वो अच्छी गुड क्वालिटी के ऑयल्स होने चाहिए। अलबत्ता देसी घी या घी, जो गुड क्वालिटी घी और बटर भी मुनासिब मिकदार में ज़रूर लेने चाहिए। इसके अलावा हैं नट्स। अगर बहुत ज़्यादा ख़वातीन किसी किस्म की उसको गरम समझ के कि हम मूंगफली नहीं खाएंगे, हम बादाम या अखरोट या फ्रेश या खुश्क मेवाजात से दूर हैं और बिल्कुल नहीं वो लेना लेते कि जी हमें बताया गया कि ये गरम होते हैं और इससे प्रेगनेंसी जल्दी नहीं होती है, ऐसी हरगिज़ कोई बात नहीं है। ये सिर्फ मिथ्स हैं जो कि बनाए गए हैं। अपनी बैलेंस डाइट में नट्स को और बीन्स को ज़रूर शामिल करें। खुश्क मेवाजात जिसमें के बादाम, अखरोट, इंजीर और इस तरह के डिफरेंट गुड हेज़ल नट्स वगैरह और कैशू नट्स शामिल हैं एक मुनासिब मिकदार में, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लेकिन एक मुनासिब मिकदार में। इसके अलावा डेयरी आइटम्स में घी और बटर ऑयल्स में से एक्सेसिव बटर और घी नहीं, लेकिन दिन में जैसे एक टेबल स्पून है अगर आपने बटर लिया है स्लाइस के ऊपर लगाया है, पीनट बटर ख़ास तौर पे, तो वो बहुत हेल्दी फूड आइटम है। ताज़ा दही को प्रेफर करें, जैसे जो कूंडे का दही है वो ज़्यादा हेल्दी है, ज़्यादा न्यूट्रिशियस है एज़ कम्पेयर टू प्रिजर्व्ड फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स की निस्बत। रोज़ाना 30 मिनट वॉक ज़रूर करें, अपने वज़न को बढ़ने ना दें बल्कि कोशिश करें कि या तो वेट बिल्कुल आइडियल लेवल पे मेंटेन रहे या थोड़ा सा लोअर साइड पे हो रादर देन कि वो हायर साइड पे हो। उसके लिए हम उनको गाइड करते हैं उनकी बॉडी मास इंडेक्स, उनकी हाइट वेट के मुताबिक। एक्टिविटी को, फिज़िकल एक्टिविटी को अपनी डेली की रूटीन में ज़रूर शामिल करें, जिसमें कि कम अज़ कम 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करना ज़रूर बहुत अच्छी बात है, बहुत हेल्दी हैबिट है
और इस बात से बिल्कुल ना घबराएं कि जी अगर वॉक करेंगे या कोई एक्सरसाइज करेंगे या कोई जिम जाएंगे तो फिर उस ऐसी सूरत में प्रेगनेंसी जल्दी नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस्म ने बॉडी की सर्कुलेशन बेहतर जितनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा फिजिकली एक्टिव होगी, उनका हार्मोन बैलेंस कायम होगा, हार्मोन बैलेंस कायम होगा तो फिर जहनी दबाव भी कम होगा, रिलैक्स होंगी और जल्दी प्रेग्नेंट होने के चांसेस हैं और इम्कानात हैं। जो फूड हार्मफुल हैं या जो कि नॉट रिकमेंडेड हैं, जो कि नहीं लेने चाहिए, वो तमाम फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड्स हैं जो कि जिनका शुगरी कंटेंट या जिनका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, वो फास्ट कार्ब्स हैं और जिसमें के सबसे ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं जिनको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, जिनमें के बहुत ज़्यादा मिकदार में शुगर है जो कि बॉडी में मोटापे का बाइस बन सकती है। मोटापा दोनों तरफ से, यानी हस्बैंड के लिए भी हार्मफुल है और वाइफ के लिए भी हार्मफुल है। अपने बॉडी वेट को मेंटेन करें, अपनी हेल्दी हैबिट्स और गुड न्यूट्रिशियस फूड एंड अवॉइड दी फास्ट फूड एंड अवॉइड फैटी फूड एंड अवॉइड शुगरी ड्रिंक्स। अगर आप हिफ्ज़ाने सेहत के इस सुनहरी असूल के ऊपर अमल करते हैं तो बहुत आप ना सिर्फ ये कि हेल्दी होंगे, जल्दी प्रेगनेंसी हो जाएगी, हमल के दौरान भी सेहतमंद रहेंगी और बल्कि ये एक गुड लाइफ स्टाइल एडजस्टमेंट, लाइफ लॉन्ग हेल्दी हैबिट्स अपनाना ये बेस्ट होता है कि जिससे कि आप बीमारियों से अपने आप को दूर रख सकते हैं। अगर आप इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं, आप कंसल्टेशन के लिए क्लिनिक पर तशरीफ ला सकती हैं। मेरा नंबर भी यहाँ पर शो हो रहा है, आप अपॉइंटमेंट ले सकती हैं। मैं शालामार हॉस्पिटल में गायनी डिपार्टमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ और पंजाब मेडिकल सेंटर में भी इवनिंग क्लिनिक्स पर अवेलेबल हूँ। आपका बहुत शुक्रिया।